नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को लेनी होगी ट्रेनिंग। बीएसईबी ने बढ़ाई मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि। बिहार के दुकानदारों और कारखाना संचालकों को देना होगा ऑनलाइन हिसाब। ऑनलाइन फ्रॉड और अपराधों के खिलाफ लोगों को दी जाएगी साइबर ट्रेनिंग। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया में बड़े बदलाव। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसबीआई ने 55 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट एनालिस्ट मैनेजर के कुल मिलाकर 55 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को ग्रेजुएशन पास होने के साथ ही MBA फाइनेंस, PGDBA, PGDBM, MMS फाइनेंस, CA, CFA, ICWA डिग्री पास होना चाहिए। इसके साथ ही रेलिवेंट एरिया में 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 12 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https.sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार के 1890 सरकारी स्कूलों को मिली सोलर पावर। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों को सोलर पावर प्लांट मिला है। बता दें कि 1890 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन स्कूलों में 1230 स्कूल ऐसे हैं जहां स्वीकृत विद्युत भार 2 किलोवाट पिक है। इसके साथ ही ब्रेडा निदेशक के द्वारा बताया गया है कि जिन स्कूलों में 5 किलोवाट पिक से ऊपर के स्वीकृत विद्युत भार लगाए गए हैं उन स्कूलों को 3-फेज कनेक्शन लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही मुख्य सचिव के अध्यक्षता में की गई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि डाइट के प्रशासनिक भवनों में 15 किलोवाट पिक का हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को लेनी होगी ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाई जा रही है, जिसके तहत राज्य में 6ठे चरण में नियोजित 1ली से 5वीं कक्षा तक के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 महीने की कोर्स कराई जाएगी ताकि उनके शिक्षण कार्य में दक्षता लाई जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6ठे चरण में 43,000 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है जो फिलहाल प्रारंभिक विद्यालय में काम कर रहे हैं। बताते चले कि शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिस पर विभाग की ओर से सहमति दी जा चुकी है। वहीं इस कोर्स को करने के लिए शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से 2 वर्षों के अंदर करने का समय निर्धारित किया गया है। वहीं वैसे शिक्षक जो इस कोर्स को नहीं करते हैं उन्हें भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड और अपराधों के खिलाफ लोगों को दी जाएगी साइबर ट्रेनिंग। बिहार में ऑनलाइन फ्रॉड और अपराधों के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार के पुलिस के द्वारा जल्द ही एक अभियान शुरू की जाने वाली है, जिसके तहत लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड और अपराधों के खिलाफ साइबर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में समाज के हर तबके को शामिल किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर सजग हो सके। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा साइबर अपराध से बचाव के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बताते चले कि इस अभियान में महिलाओं और बच्चों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि आज के समय में साइबर अपराधियों के द्वारा गिफ्ट वाउचर और लोन दिलाने के नाम से भी लोगों के द्वारा ठगी की जा रही है। बिहार में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य निदेशकों के लिए 6020 रिक्तियां। बिहार में बहुत जल्द ही शिक्षा विभाग के द्वारा शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य निदेशकों के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। बता दें कि बिहार में कुल 6020 रिक्तियां हैं जिसकी जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा दी गई है, जिसमें अररिया जिले में कुल रिक्तियां 154, अरवल में 52, औरंगाबाद में 195, बांका में 171, बेगूसराय में 138, भागलपुर और भोजपुर में 159, बक्सर में 72, दरभंगा में 215, पूर्वी चंपारण में 344, गया में 255, गोपालगंज में 117, जमुई में 185, जहानाबाद में 71, कैमूर में 78, कटिहार में 172, खगड़िया में 114, किशनगंज में 131, लखीसराय में 67, मधेपुरा में 143, मधुबनी में 240, मुंगेर में 94, मुजफ्फरपुर में 291 समेत कई जिलों में कई पद रिक्तियां हैं।
दिसंबर से बिहार के इन रूटों पर दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। जल्द ही बिहार में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन की शुरुआत की जा सकती है। बता दें कि इसके लिए विभाग के द्वारा तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक इस बात का फैसला नहीं लिया गया है कि बिहार के किन रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जा सकता है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार इन ट्रेनों का परिचालन दिसंबर से उन रूटों पर किया जाएगा जहां यात्रियों की संख्या अधिक होगी। वहीं इस ट्रेन का परिचालन पटना से भागलपुर के रूट पर किया जा सकता है। बताते चले कि रेलवे मंत्रालय के अनुसार ICF चेन्नई में दो वंदे भारत एक्सप्रेस की तैयारी जोरों से चल रही है और ये दोनों ट्रेनें बिहार और तेलंगाना को मिल सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस केवल 52 सेकंड में 100 किलोमीटर तक के रफ्तार को पकड़ सकती है। यह अन्य ट्रेनों की अपेक्षा हल्की होती है। पटना में प्रदूषण से निपटने के लिए ये है DM के प्लान। बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा नए नियम बनाए गए हैं। बता दें कि DM के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अब जिला परिवहन पदाधिकारी को सघन जांच अभियान चलाकर वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच करनी होगी और उन पर कार्रवाई करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे सभी वाहन जो 15 साल से अधिक है उनके परिचालन पर रोक लगेगी। बताते चले कि इस मामले को लेकर DM के द्वारा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इन सभी बातों पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में पटना नगर निगम के नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परासर, वन प्रमंडल पदाधिकारी अब्रीश कुमार मलल, ट्रैफिक SP अनिल कुमार व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। BSEB ने बढ़ाई मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक परीक्षा 2024 को लेकर रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पहले रजिस्ट्रेशन की तिथि 23 नवंबर तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 8 दिसंबर तक कर दिया गया है। यानी कि वैसे छात्र जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वे मैट्रिक के सत्र 2023 से 24 को लेकर 8 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि BSEB के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य के मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालय या +2 विद्यालयों को जल्द से जल्द secondary.biharboardonline.com पर जाकर छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है। बताते चलिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के लिए छात्रों को निर्धारित शुल्क भी जमा करने होंगे, जिसमें से वैसे छात्र जो नियमित कोटि से आते हैं उन्हें ₹320 और वैसे छात्र जिनकी गिनती स्वतंत्र कोटि में की जाती है उन्हें ₹450 का शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। सृजन घोटाले को लेकर CBI ने की बड़ी कार्रवाई। बीते दिन शुक्रवार को बिहार के सृजन घोटाले को लेकर CBI के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत CBI के द्वारा DRDA के निलंबित अरुण कुमार को भागलपुर के तिलका मांझी के न्यू प्राणवती लेन में गली नंबर 8 स्थित निजी आवास से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल CBI की टीम के द्वारा कोर्ट से आदेश दिए जाने के बाद सृजन घोटाला मामले में फरार अभियुक्त रजनी प्रिया की तलाश शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही CBI दिल्ली पुलिस के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि अगर उन्हें रजनी प्रिया से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती है तो सबसे पहले CBI कार्यालय में सूचित किया जाए। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे राम शरण शर्मा की। राम शरण शर्मा एक भारतीय वामपंथी इतिहासकार है। इनका जन्म बिहार के बड़ौनी बेगूसराय में एक गरीब परिवार में 26 नवंबर 1919 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और टोरंटो विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया है और साथ ही लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में एक सीनियर फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नेशनल फेलो और 1975 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। उन्होंने अब तक 15 भाषाओं में प्रकाशित 115 पुस्तकें लिखी हैं। 1975 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष और 1979 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी रहे। मिशन 60 के तहत यह जिला बना टॉपर। बिहार के सभी सदर अस्पताल अब रात में ब्लू रंग में दिखने लगे हैं, जहां अस्पतालों में आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए मे आई हेल्प यू डेस्क भी बनाया गया है। साफ सफाई और अन्य मानकों पर खास ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें बिहार का भागलपुर जिला सबसे टॉप पर है। इसके बाद गोपालगंज, तो वहीं तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण, चौथे नंबर पर अररिया, पांचवें पर पश्चिमी चंपारण, इसके बाद मधुबनी, नालंदा व बांका का स्थान है। इस मामले में मुंगेर अंतिम पायदान पर है, जबकि बिहार के जिलों में मुंगेर से पहले वैशाली और पटना है। बताते चले कि मिशन 60 के तहत बिहार के सदर अस्पतालों में साइनेज लगाए गए हैं। भोजन के लिए जीविका दीदियों का इसका जिम्मा दिया गया है। इसी मिशन के तहत तय किया गया था कि सभी सरकारी अस्पतालों को नीले रंग में रोशन किया जाएगा। आरोप
यूपी ने आईजी विकास वैभव की पिस्टल को बेच दिया। बिहार सरकार के सीनियर आईपीएस ऑफिसर आईजी विकास वैभव की पिस्टल चोर को बीते दिन पटना पुलिस ने पकड़ लिया है और ये चोर कोई और नहीं बल्कि उनके यहाँ तैनात होमगार्ड का बेटा निकला। जानकारी के मुताबिक आरोपी सूरज के पिता वीरेंद्र राम आईपीएस ऑफिसर के यहाँ होमगार्ड के तौर पर तैनात थे। वहीं वीरेंद्र राम के बेटे सूरज ने आईपीएस ऑफिसर के सरकारी आवास से रिवॉल्वर सहित 25 कारतूस चुरा लिया। पिस्टल चोरी का मामला गर्दनीबाग थाने में दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने काफी तफ्तीश के बाद चोर का पता लगाया। लेकिन आरोपी सूरज ने बताया कि उसने वो पिस्टल सहित कारतूस सुमित नामक युवक को बेच दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बिहार में व्याख्याताओं के लिए सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार के प्लस टू व्याख्याताओं को बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में शामिल किया जा रहा है। इससे व्याख्याताओं के वेतन और पेंशन से लेकर अन्य सुविधाओं में इजाफा होगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की गई है और साथ ही वित्त विभाग और विधि विभाग को पत्र लिखा गया है। इसके बाद ही इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इस काम को जल्द ही पूरा किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही शिक्षा निदेशक मनोज कुमार के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि अगर किसी को औपबंधिक वरीयता सूची में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रमाण पत्र के साथ 12 दिसंबर तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करा दे। इसके बाद इसका निपटारा किया जाएगा। पीएचसी के डॉक्टर लेंगे क्लाइमेट चेंज से जुड़े लोगों के इलाज का प्रशिक्षण। बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को स्वस्थ रखने के लिए गाइडलाइन और एक्शन प्लान तैयार कर रही है। बता दें कि जहां एक तरफा बिहार में क्लाइमेट चेंज होने से बीमारियों की दर में वृद्धि हो रही है, वहीं उनके इलाज का प्रशिक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात चिकित्सकों को दिया जाने वाला है, जिसकी पुष्टि बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहार के 30 चिकित्सकों को भुवनेश्वर में क्लाइमेट चेंज से निपटने को लेकर डेमोंस्ट्रेशन और वर्कशॉप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए गाइडलाइन और एक्शन प्लान की तैयारी पर्यावरण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग आपस में मिलकर एक साथ कर रही है। बिहार के दुकानदारों और कारखाना संचालकों को देना होगा ऑनलाइन हिसाब। बिहार की नीतीश सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा दुकानदारों और कारखाना संचालकों पर सख्ती बरतते हुए एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत दुकानदारों और कारखाना संचालकों को अब क्या किया, कितनी आमदनी हुई, कितने कर्मियों से काम लिया जैसे कई चीजों से जुड़ा ब्यौरा यानी कि हिसाब किताब ऑनलाइन देना होगा। बता दें कि इस ब्यौरा के हिसाब से ही विभागीय कर्मी के द्वारा जाँच पड़ताल की जाएगी और अगर जाँच पड़ताल में दुकानदारों और कारखाना संचालकों के द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उनके खिलाफ विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार के द्वारा एक ऐप का भी निर्माण करवाया गया है। सरकार के द्वारा बनाए गए इस नए नियम से राज्य में व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी और साथ ही उसमें काम करने वाले कर्मियों के साथ दुकानदारों और कारखाना संचालकों के द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। अब पटना में यहाँ भी मिलेगा जीविका दीदियों का काउंटर। बिहार सरकार की ग्रामीण आजीविका परियोजना जीविका से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों को यानी कि जीविका दीदियों को पटना हवाई अड्डे पर यात्रियों को प्रदर्शित करने और बेचने का स्थान दिया गया है। बता दें कि यह निर्णय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा अपने ग्रामीण विकास विभाग के तहत लिया गया है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह को टर्न ऑन टर्न के आधार पर 15 दिनों की अवधि दी जाएगी, जिसका उद्घाटन आज से ही किया जा रहा है। बता दें कि जीविका बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग की पहल है, जिसके तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह आर्थिक सशक्तता के लिए प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं और उन्हें बाजारों में बेचते हैं। इस पहल की शुरुआत होने से यह उम्मीद की जा रही है कि अब बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले सामानों को भी पहचान मिल सकता है और साथ ही महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं को शिक्षित करेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार आए दिन गरीब तबके के लोगों के लिए अलग तरह की योजनाएं निकालते रहती है। इसी के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में झुग्गी झोपड़ी आवास योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत स्लम एरिया में रहने वाले 15 से 35 वर्ष की महिलाओं को अनुभव एवं योग्य शिक्षकों के द्वारा शिक्षित किया जाएगा और साथ ही उनके व्यक्तिगत स्किल पे भी ध्यान देते हुए उनके कौशल को और भी बढ़ाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के सभी जिलों के मुख्यालयों में चिन्हित झुग्गी झोपड़ी में वास करने वाली महिलाओं को बुनियादी साक्षरता प्रदान की जाएगी। केजरीवाल नहीं चलेंगे नीतीश के साथ।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक टीवी इंटरव्यू में अपनी आगामी रणनीति को लेकर खुलासा करते हुए साफ कर दिया गया है कि वह लोकसभा चुनाव 2024 में वैसे किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जुड़ेंगे जो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कह दिया है कि वे लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर देश की तरक्की के लिए कोई गठबंधन का निर्माण होता है तो उसमें हम जरूर शामिल होंगे। इस बयान के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम को एक साथ लाने का सपना टूट गया है। बता दें कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी विरोधी सभी दलों को एकजुट किया जा रहा है। इस सिलसिले में नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार समेत कई पार्टियों से मुलाकात की है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से भी अपील की थी कि वे बीजेपी के विरुद्ध बनाए गए गठबंधन में शामिल हो जाए। उमेश कुशवाहा का दावा, इस दिन कुढ़नी में नीतीश करेंगे जनसभा। मोकामा गोपालगंज के बाद अब कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इस बीच यह खबर काफी दिनों से सियासी गलियारे में है कि नीतीश तेजस्वी एक साथ कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इस बीच बीते दिन जदयू नेता उमेश कुशवाहा ने यह दावा किया है कि कुढ़नी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चुनावी सभा करेंगे, जहां उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार 2 दिसंबर को कुढ़नी में प्रचार करेंगे। वहीं महागठबंधन के अन्य नेता भी प्रचार में जाएंगे। प्रशांत किशोर सीएम नीतीश पर एक और हमला। पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा जनसुराज यात्रा के दौरान एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार की नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल करके बिहार में शराबबंदी को लागू तो कर दिया, लेकिन अमेजन व फ्लिपकार्ट की तरह घर घर होम डिलीवरी शुरू करा दी है। अब शराब की खरीद के लिए लोगों को दुकान पर जाने की जरूरत नहीं होती है। अब 100 रुपए के शराब 400 रुपए में घर घर होम डिलीवरी से आ जाती है। इससे बिहार का राजस्व का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार में राजनीतिक विकल्प बनने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया में बड़े बदलाव। बीसीसीआई के द्वारा बांग्लादेश दौरे पर खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें टीम इंडिया को 3 वनडे मैच और 2 टेस्ट मैच खेलने होंगे। इस मैच को लेकर बीसीसीआई ने टीम इंडिया में 2 बड़े बदलाव करते हुए स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज यश दयाल को बाहर कर दिया है। इनके स्थान पर आरसीबी के लिए खेल चुके ऑलराउंडर शहबाज अहमद और तेज गेंदबाज कुलदीप सेन को भारतीय जर्सी पहने हुए देखा जाएगा। इससे पहले भी शहबाज अहमद जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर चुके हैं। वहीं 150 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले कुलदीप सेन टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम नेट बॉलर के रूप में मौजूद थे। इसके साथ इस सीरीज से संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव को भी आराम देने के उद्देश्य से बाहर कर दिया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। देश के श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले वर्गीज कुरियन का 1921 में जन्म हुआ। भारत में 1960 में पहली बार कानपुर एवं लखनऊ के बीच एसटीडी सेवा शुरू हुई। भारत के मुंबई नगर में 2008 में हुए आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादियों ने ताज होटल में घुसकर अनेक अतिथियों को बंधक बना लिया। इसे भारतीय सेना ने 3 दिनों की कार्यवाही के पश्चात मुक्त करा लिया। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद राम शरण शर्मा का जन्म 1919 में हुआ। भारत के मशहूर वैज्ञानिक और शिक्षाविद यशपाल का जन्म 1926 में हुआ। भारत के राजनेता तथा हिंदी साहित्यकार शंकर दयाल सिंह का निधन 1995 में हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार तपन राय चौधरी का निधन 2014 में हुआ। आज इसरो करेगा पीएसएलवी C54 को प्रक्षेपित। आज इसरो एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 26 नवंबर यानी आज श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओसन सैट 3 और 8 लघु उपग्रहों के साथ पीएसएलवी C54EOS-06 मिशन के तहत प्रक्षेपण करेगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि प्रक्षेपण के लिए शनिवार सुबह 11:56 का समय निर्धारित किया गया है। इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीएसएलवी C54 के जरिए ओसन सैट 3 और 8 लघु उपग्रह पिक्सल से आनंद, भूटान सैट ध्रुव अंतरिक्ष से 2 थायाबोल्ट और स्पेस फ्लाइट यूएसए से 4 एस्ट्रोकास्ट प्रक्षेपित किए जाएंगे। वायरल खबर
खबर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक दावा किया जा रहा है जिसके तहत प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी युवाओं को 4,000 की मदद राशि मिलेगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। ऐसी फर्जी वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। 3D अवतार का इस्तेमाल कर ऐसे बनाया इंस्टाग्राम रील्स। मेटा का फोटो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अपने 3D अवतारों को इंस्टाग्राम रील्स में भी जोड़ दिया है। अगर आप भी अपने 3D अवतार को इंस्टाग्राम रील्स में शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने फोन पर इंस्टाग्राम ऐप खोले, अब बाय और स्वाइप करें और रील्स टैब पर जाएं। अपनी रील को अपनी पसंद के अनुसार रिकॉर्ड करें और एडिट करते समय ऊपर दाईं ओर उपलब्ध स्टिकर बटन पर टैप करें। अब अवतार विकल्प पर टैप करें और उस अवतार रिएक्शन का चयन करें जिसे आप अपनी रील में जोड़ना चाहते हैं। एक बार एडिटिंग पूरी हो जाने के बाद नेक्स्ट बटन पर टैप करें। इसके बाद कैप्शन सहित सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें और शेयर करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो लोगों को टैग करके भी रील शेयर कर सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अजीमा फिरदौस, नुन्नू गोलू कुमार, रविंद्र पासवान, रंजीत कुमार ठाकुर, सिफोन कुमार, शंकर मुखिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, सिरजीत कुमार, रवि कुमार राम, छोटू रजक, कविता कुमारी, मोहम्मद इसराइल मंसूरी, राजकुमार कुशवाहा, बाबूलाल मरांडी, सुशील कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, तेजस्वी यादव के द्वारा स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभालने के बाद अस्पतालों की सुविधा में कोई परिवर्तन आया है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।